हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें टेक टूल्स को और इस बेल बटन को दबाएं और हर रोज एक हिंदी में नया वीडियो पाएं। आप तक पहुंचते रहेंगे मेरे पूरे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। हे गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप है टेक टूल्स के साथ और आज एक नया वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट वीडियो लाया हूं जो लोग गेम्स लवर्स हैं और अपने कैबिनेट से बहुत प्यार करते हैं, अपने पीसी से बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं तरह तरह की लाइट्स उनके गेमिंग पीसी में हो। तो उसके लिए एक चीप वे मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर 8GB लाइट्स बहुत महंगी पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है और ये एक बहुत बेस्ट वे है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सस्ते में चीप लाइट्स 8GB लाइट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आने वाले टाइम के लिए ये बहुत बेसिक चीप, बहुत चीप प्राइस में आपको ये मिलेगा और इससे आप अपना कंप्यूटर को बहुत 8GB लाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। सीरियसली ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं पहले वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिखता है, दूसरे वीडियो में आपको इसको जोड़ के दिखाऊंगा मेरे पीसी से। तो पहले हम इसका अनबॉक्सिंग वीडियो कर लेते हैं, फिर मैं इसको पीसी से जोड़ के दिखाऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, आइए शुरू करते हैं। और मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और ये मैंने कट करना स्टार्ट किया और कट करने के बाद में सबसे पहले इस पर कुछ बिल्स वगैरह हैं अमेज़ॉन के और इसके अंदर मैं जब देखूंगा तो मुझे कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि पीसी को गेमर स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं और बहुत बेस्ट वे में इसको यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि इसमें एक रिमोट भी है, आइए हम इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के लिए पहले एक शीट में ये पूरा आएगा। ओपन करने के बाद में कुछ इसमें इस टाइप का इसके डिटेल्स और इसकी आरजीबी लाइट्स के बारे में डिटेल्स मिलेगी, जो कंपनी प्रोफाइल है इस पर लिखा हुआ है, कितने ल्यूमिनेंस की है, ये सारी चीज़ें इस पर मिलेगी। वाटरप्रूफ है ये, मैं आपको बता दूं। और इसको मैं अपने पीसी में अटैच करने वाला हूं क्योंकि इससे मेरा पीसी बहुत अच्छा स्टाइलिश और देखने में बहुत अच्छा लगेगा, गेमिंग स्टाइल लगेगा इट मीन। सो अगला जो स्टेप है, इसमें मुझे एक रील मिलेगी जो कि एक एलईडी लाइट्स की है, जैसे कि मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से दिखती है। सो इसमें देखेंगे तो ये लाइट है और मैं इसको निकाल लेता हूँ थोड़ा सा बाहर। इसके एक साइड में हमें ये इसका कन्वर्टर मिलेगा जो कि मुझे जोड़ना होगा बाकी चीज़ों से। पहले मैं दिखा देता हूँ किस तरीके की दिखती है। ये फ्लेक्सीबल है, आप इसको कैसे भी मोड़ तोड़ के यूज़ कर सकते हो जिससे ये इजी वे के अंदर कहीं पे भी चिपक जाती है। इसके पीछे एक गम है जिसके थ्रू मैं इसको पीसी पे अटैच करूंगा जो मेरे लिए इजी हो जाएगा। ये ज़्यादातर टीवी के पीछे या अपने बेड के पीछे अच्छा सा लाइटिंग सिस्टम करने के लिए होता है, बट मैं इसको पीसी में कैसे अटैच करना आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। इसमें जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है एक चार्जर। बेसिकली मैं चार्जर यूज़ नहीं करने वाला हूँ मेरे पीसी में क्योंकि मैं इसका एक अल्टरनेट वे यूज़ करूँगा जो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से पीसी के लिए कन्वर्ट होगी। जो तीसरी चीज़ है वो इसमें एक कंट्रोलर है जो कि 8GB लाइट्स को कंट्रोल करता है, रेड ग्रीन ब्लू या येल्लो या जिस कलर में आपको इसको यूज़ करना है वो ये कन्वर्टर यूज़ करेगा। जो फोर्थ चीज़ है वो एक रिमोट है जो कि RGB ग्रीन को वर्कआउट करेगा किस तरीके से मुझे रेड ग्रीन ब्लू को यूज़ करना है। मैं इसका भी यूज़ आपको बताऊंगा, जब भी रिमोट आपको यूज़ करना हो कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताऊंगा। अब बात आती है, मैं इसको अटैच कर लेता हूँ। आपको जो मिलने वाला है वो एक दो और तीसरा जो प्रोडक्ट होगा आपका रील होगी, चौथा कंट्रोलर होगा, ये चीज़ें आपको मिलने वाली है। मैं इसको अटैच कर देता हूँ मेरे बोर्ड से ताकि आपको मैं चेक करा पाऊँ ये किस तरीके से दिखता है और ये किस तरीके से वर्कआउट करेगा। मैं इसका जो अडेप्टर है वो मैं खोल लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा इन्होंने क्वालिटी मेंटेन किया है और ये इसका अडेप्टर है, छोटा अडेप्टर है बट इसका यूज़ हम कम ही करने वाले हैं क्योंकि ये इतना यूज़फुल नहीं है हमारे लिए और हम इसको शायद हमको काटना भी पड़े बाद में। ये जो अडेप्टर है ये जाएगा आपके कंट्रोलर के इस वाले पार्ट में और ये जो लाइट्स का इसमें एक सिस्टम इन्होंने दिया है कि ये जो कनेक्टिविटी इशू है इसमें दो एरो बने हैं, आपको मैं अच्छे से दिखाऊँ, एक एरो यहाँ है और एक एरो इस पे है। ये एरो टू एरो आपको मैच करने हैं, अदरवाइज ये लाइट वर्क नहीं करेगी और इसमें इस तरीके से इसको आपको ज्वाइंट करना है जैसा कि मैंने ज्वाइंट किया है। और ये मेरी RGB है, मैं इसको प्लग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इस समय मैंने पावर अप किया है इसको और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग तरह तरह की लाइट जल रही है। अब रिमोट को यूज़ करने का जो पहला तरीका है वो यहाँ पे एक आपको प्लास्टिक मिलेगा, इसको आपको बाहर निकाल देना है और फेंक देना है क्योंकि ये इसलिए लगा हुआ आता है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो जो सेल होता है वो आपस में टकरा जाएगा,
तो अब मैं देखता हूँ इसका वर्क कैसे है। सो नाउ मैंने इसको प्लग कर दिया, और प्लग करने के बाद में अलग अलग कलर्स मेरे इसमें शो कर रहे हैं। लाइक मैंने इसको ग्रीन, जैसे ही ग्रीन बटन दबाऊंगा तो ये ग्रीन करेगा, अगर मैं इस पर ब्लू करूंगा तो ब्लू लाइट्स ऑन हो जाएगी, इवन मैं इस पर ऑरेंज करूंगा तो ऑरेंज हो जाएगी। आप देखो ब्लू, येलो और इवन अलग 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 कलर्स इसमें है जो मैं क्लिक कर सकता हूँ। स्ट्रॉब में क्लिक करूंगा तो ये स्ट्रॉब का वर्क करेगा, फेड करूंगा फेड का करेगा, और इवन मैं इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल भी सेट कर सकता हूँ। और जैसा कि यहाँ पे कुछ स्मूथ वर्क के ऑप्शन दिया है, तो स्मूथ करने के बाद आप देखोगे ये स्मूथ वर्क में स्मूथ वे में वर्क कर रहा है। इस फेड में करूंगा तो थोड़ा थोड़ा देर में ये फेड होने लगेगा, देखो आप अलग अलग कलर्स फेड हो रहे हैं। और स्ट्रॉब किया तो मैंने ये स्ट्रॉब होने लगेगा, और इसके साथ साथ इसमें फ्लैश है, फ्लैश पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये फ्लैश होने लगेगा। बट अभी ये फ्लैश शायद मेरा वर्क नहीं कर रहा है बटन, या कर रहा है शायद, इसने वर्क कर लिया। इवन मैं इसकी ब्राइटनेस भी मैं सेट कर सकता हूँ रिमोट से, जैसा कि आप देखोगे मैं धीमे धीमे इसकी ब्राइटनेस भी सेट कर सकता हूँ। कम ज़्यादा इसमें ऑप्शन दिया है, बट मेरा शायद ये वर्क नहीं कर रहा है। मेरा जो रिमोट है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा मैं देखो ब्लू पे मैंने डायरेक्ट क्लिक किया तो ब्लू कलर आ गया, इवन ग्रीन क्लिक किया तो ग्रीन आ गया, आर पे क्लिक किया तो रेड हो गया। और जैसा कि इसमें ऑप्शन है ब्राइटनेस का, बट शायद ये मेरा वर्क नहीं कर रहा है, समहाउ कोई प्रॉब्लम हो सकती है रिमोट में, या शायद मेरे जो कनेक्शन में इशू हो सकता है। बट मैंने ऑफ बटन किया तो ऑफ हो रहा है ये, और ऑन का बटन दबाया तो ऑन भी ये हो रहा है। बट मेरा कुछ रिमोट शायद फॉल्टी आया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ ऐसा इशू आता है तो आप अपना पैसा रिफंड बैक ले सकते हैं अमेजोन से, और साथ साथ में आप नया प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो अभी मैं देखता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे इसमें आने वाली है। और एक तो मेरा जो प्लग है वो थोड़ा ढीला है, सो मैं इसको वापस से टाइट करता हूँ और देखता हूँ। ठीक है, तो ये एक बेसिक रिमोट है, थोड़ा सा चीप क्वालिटी का है, इट मीन चीप तो चीप ही होता है। सो आप जज कर सकते हैं कौन सी चीज़ को आप लेनी है और किस टाइप से वर्कआउट करना है, फ्लैश या जो भी है। सो गाइज ये तो है बेसिकली एलईडी का एक वीडियो अनबॉक्सिंग का, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से पीसी से कंट्रोल करना है और पीसी पे अटैच करना है, और आपका पीसी किस तरीके से अच्छा दिखने वाला है। और फिर से मैं एक चीज़ बताऊँ, ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको टीवी के पीछे भी यूज़ कर सकते हो, बेड के पीछे भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देगा। सो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ मेरा जो वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें इस चीज़ के बारे में। तो मैं आपको बताऊँगा इसकी प्राइसिंग क्या है और ये कहाँ से आपको लेना है, ये मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच गाइस।